लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, क्लिपर 28 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की हसदेव नदी के बारे में। हसदेव नदी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा के कोयला क्षेत्र में तथा चांपा मैदान में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल कोरिया की पहाड़ियां है। हसदेव नदी मनेन्द्रगढ़ तहसील में कोरिया पहाड़ी के निकट रामगढ़ से निकलती है। चांपा से बहती हुई शिवरी नारायण से 8 मील की दूरी पर यह महानदी में मिल जाती है। इसमें कटघोरा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर प्रदेश की सबसे ऊंची तथा बड़ी मिनी माता हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। हसदेव नदी का नाम राजा हसदेव के नाम पर होना बताया गया है। क्षेत्र में यह क्विंदति प्रचलित है कि प्राचीन समय में राजा हसदेव ने नदी के पास डेरा डाला था और कई दिनों तक हसदेव नदी के तट पर विश्राम किया था। उनके नाम पर ही नदी का नाम पड़ा था। उद्गम स्थल से निकलकर यह मार्तन एवं उपरोड़ा की चट्टान एवं सघन वनांचित धरातल में प्रवेश करती है, जो कटघोरा के निकट स्थित मैदानी भाग का उत्तरी पूर्व किनारा है। यहां से चांपा मैदान में बहती हुई शिवरी नारायण से 8 मील की दूरी पर महानदी में मिलती है। सरगुजा जिले से निकलकर बिलासपुर जिले में प्रविष्ट होने के 29 किलोमीटर के पश्चात इसके दाहिने तट पर गज नदी आकर मिलती है। हसदेव का उत्तरी भाग संकरा एवं गहरा है। यह नदी चीर बालू के लिए प्रसिद्ध है। बांगो के समीप इसमें 3 नदियां आकर मिलती है। इस संगम के पश्चात नदी का तल चौड़ा, रेतीला एवं दीपयुक्त हो गया है। हसदेव एवं उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र के नीचे गोंडवाना का चट्टानी धरातल है। अतएव चट्टानी संरचना की आयातकार संधियों एवं विभागों का अनुसरण करने के कारण यह साधारणतः आयातकार प्रवाह प्रणाली की रचना करती है। कहीं कहीं वृत्ताकार प्रवाह प्रणाली भी दिखाई देती है। नदी प्रौढ़ है तथा निष्कोण वक्र बनाती है। हसदेव का प्रवाह क्षेत्र अधिकांश उबड़ खाबड़ है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया का एक प्राकृतिक झरना है, जो हसदेव नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरिया भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक रियासत थी। पूरे भारत कोरिया को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह जगह पूरे घने जंगलों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से भरी पड़ी है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया में सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है। कोरिया में अमृतधारा झरना एक बहुत ही शुभ शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध मेला हर साल आयोजित किया जाता है। मेले के आयोजन रामानुज प्रताप सिंह जुदेव, जो कोरिया राज्य के राजा थे, महाशिवरात्रि के उत्सव के दौरान इस जगह में मेले का आयोजन होता है, जिस दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उपस्थित होती है। हसदेव की सहायक नदियाँ बेसिन में उतरते ही छोटे छोटे प्रपात बनाती हैं। सरगुजा जिले में नदी का प्रवाह क्षेत्र 3,700 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल प्रवाह क्षेत्र का 17% है। बिलासपुर जिले में नदी की लंबाई 192 किलोमीटर तथा प्रवाह क्षेत्र 3,500 वर्ग किलोमीटर है, जो जिले के कुल प्रवाह क्षेत्र का 17.8% है। गर्मी का असर व प्रभाव हसदेव नदी पर भी पड़ता है, लेकिन बिलासपुर अरपा नदी के मुकाबले इसमें पानी की बेहतर स्थिति होती है। प्रशासन ने अरपा नदी पर करोड़ों की परियोजना तैयार की है। किसी तरह इस नदी पर परियोजना की दरकार है, खासतौर पर इस स्थिति में जब हसदेव की बुनियाद पर बुलंद संयंत्र की चिमनियां सांस ले रही हो, तो हसदेव को बचाने के लिए व्यापक पहल इस संयंत्रों के सहयोग से किया जा सकता है। इन्हीं संयंत्रों का जहर हसदेव नदी में घुलता है, जिसके कारण हसदेव का पवित्र निर्मल जल विशाला बनता जाता है। पहली जिम्मेदारी इन विद्युत संयंत्रों की है कि हसदेव में जहर की मात्रा को कम करें या कोई ऐसी व्यवस्था इजाद करें जिससे हसदेव की शुद्धता कायम रह सके। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।